यह कल्पना करना रोमांचकारी है कि डायनासोर जो 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे अचानक धरती पर वापस आ जाएं। वैज्ञानिकों, जीव विज्ञानियों और आम लोगों के बीच इस सवाल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। डायनासोरों को विशाल मात्रा में भोजन और विशाल आवास की आवश्यकता होगी। उनकी वापसी से मौजूदा वनस्पतियों और जीवों के लिए भारी प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। डायनासोरों के आगमन से खाद्य श्रृंखला में बड़ा बदलाव होगा। शिकारी और शिकार के बीच नया संतुलन बनने में समय लगेगा। डायनासोर अपने साथ नए रोग और बैक्टीरिया ला सकते हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए घातक हो सकते हैं। डायनासोरों का आकार और शक्ति मनुष्यों के लिए भय का कारण बन सकती है। भोजन, संसाधनों और क्षेत्र के लिए मनुष्यों और डायनासोरों के बीच संघर्ष हो सकता है। वैज्ञानिकों को डायनासोरों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के बारे में नया ज्ञान प्राप्त होगा। डायनासोरों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। डायनासोरों का अध्ययन करने से हमें जलवायु परिवर्तन, विलुप्ति और अन्य वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। डायनासोरों के जीवाश्मों में से वैज्ञानिक नई दवाओं और चिकित्सा उपचारों की खोज कर सकते हैं। डायनासोरों की वापसी निश्चित रूप से धरती पर क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वास्तव में क्या होगा, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कितने डायनासोर वापस आते हैं, वे किस प्रजाति के होते हैं और वे मनुष्यों और पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डायनासोरों की वापसी असंभव है। वे विलुप्त हो चुके हैं और उन्हें वापस लाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। लेकिन यह कल्पना करना रोचक है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता।